हेलो ट्रेडर, बूम ट्रेड में आपका स्वागत है। कमोडिटी ट्रेडिंग फुल कोर्स, अगर आप बिगनर हैं, आप नए हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, इसको करते कैसे हैं, तो ये कोर्स देखने के बाद आपको सब कुछ बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कोर्स। कमोडिटी ट्रेडिंग कोर्स। स्टॉक मार्केट में दो तरीके का मार्केट होता है। पहला होता है हमारा इक्विटी मार्केट, जिसमें हम किसी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने डिटेल में कोर्स बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, अगर हम बुलिश होते हैं, हमारे एनालिसिस के आधार पर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बेयरिश है तो हम पुट ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम किसी भी कंपनी के शेयर को, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, इन कंपनी के शेयर को बाई करते हैं कैश में और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, एक महीने, दो महीने, एक साल, दो साल, पांच साल के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में अगर हम बाई और सेल करते हैं इंट्राडे में, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इक्विटी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा। हम यहां पर सीख रहे हैं कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो आपको हम इसका एग्जांपल लेके आपको हम इस मार्केट को समझाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इक्विटी मार्केट में हमने देखा कि किसी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करते हैं। वहीं पर अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में हम नेचर के द्वारा जो चीज़ हमें मिलता है, ठीक है, नेचर के द्वारा जो चीज़ हमें मिलता है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। अब ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एग्री कमोडिटी, जो इंसान हम, ठीक है, हम इंसान जो खेत में पैदा करते हैं, जैसे कि कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, रबर और वीट, इसमें जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं एग्री कमोडिटी। और जो दूसरा होता है वो नॉन एग्री कमोडिटी होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, नॉन एग्री कमोडिटी, जिसमें इंसान पैदा नहीं करता है धरती से, धरती हमें खुद देता है, जैसे कि मेटल्स हो गया और एनर्जी हो गया। तो मेटल्स में दो प्रकार के मेटल्स होते हैं, पहला होता है बेस मेटल, और ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम, लेड, निकिल, कॉपर, जिंक, और जो हमारा प्रीसियस मेटल होता है, जो दूसरा आता है हमारा, क्या आता है, प्रीसियस मेटल, जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, नॉन एग्री कम्युनिटी हैं। और एग्री कम्युनिटी में हमने देखा जो हम इंसान खेत में पैदा करते हैं, ठीक है, अनाज उगाते हैं, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, रबर और वीट, ये एग्री कम्युनिटी हो गया। और नॉन एग्री कम्युनिटी में मेटल्स आते हैं और एनर्जी आता है। तो मेटल्स में दो प्रकार के मेटल्स होते हैं, बेस मेटल और प्रीसियस मेटल, ठीक है। बेस मेटल में एल्युमिनियम, लेड, निकिल, कॉपर, जिंक, प्रीसियस मेटल में गोल्ड और सिल्वर, इसके बाद आता है हमारा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की बात करें जिसमें आता है हमारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, एनर्जी की बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये रहा हमारा, ठीक है, कमोडिटी मार्केट। तो कुल मिला के कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जो चीज़ हमें नेचर से मिलता है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है एग्री कमोडिटी, दूसरा होता है नॉन एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी क्या होता है, जो हम इंसान खेत में पैदा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्री कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, रबर और वीट। नॉन एग्री में दो प्रकार का आता है, मेटल और एनर्जी। अब मेटल में दो प्रकार का होता है, ठीक है, कौन सा होता है कि बेस मेटल और प्रीसियस मेटल, एल्युमिनियम, लीड, निकिल, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। इसके बाद आता है एनर्जी में, जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये अब हम समझ गए। अब ज़्यादातर ट्रेडिंग किस में होती है, ठीक है, तो लगभग 88%, ठीक है, किस में होता है, नॉन एग्री कमोडिटी में, और 12% किस में होता है ट्रेडिंग, एग्री कमोडिटी में। तो नॉन जो होता है हमारा नॉन एग्री कमोडिटी, जिसमें कि मेटल्स और एनर्जी आता है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इसमें कम ट्रेडिंग होता है एग्री कमोडिटी में। तो अब चलिए देखते हैं कि नॉन एग्री कमोडिटी में उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में होता है, किस में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ताकि हम उसमें ट्रेडिंग कर सकें। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि गोल्ड पे होता है और क्रूड ऑयल पे होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। उसके बाद फिर नेचुरल गैस, सिल्वर, ठीक है, नेचुरल गैस, सिल्वर हो गया, कॉपर, जिंक हो गया और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, जिंक, इसके बाद ये सब आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड और क्रूड ऑयल में होता है ट्रेडिंग, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम इक्विटी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर हम स्टॉक को बाई कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैश में होल्ड करते हैं, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो ही प्रकार की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। पहला होता है फ्यूचर और ट्रेडिंग, दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। दो ही प्रकार की ट्रेडिंग होती है, या तो फ्यूचर या तो ऑप्शन। या तो हम क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाई करेंगे, या फिर हम क्रूड ऑयल का ऑप्शन बाई करेंगे, या फिर हम गोल्ड का फ्यूचर बाई करेंगे, या फिर ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। तो दो ही प्रकार की ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। तो जैसे हम इक्विटी मार्केट में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हम बाई और सेल करते हैं, ठीक है, किसी भी शेयर को। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर दो मेन एक्सचेंज हैं, पहला है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा है NCDEX नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। अब MCX जो होता है इसमें हम, ठीक है, जो मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है नॉन एग्री कमोडिटी हो गया, इस एक्सचेंज से हम बाई और सेल करते हैं, और जो एग्री कम्युनिटी हो गया इस एक्सचेंज से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। NCDEX से एग्री कम्युनिटी की ट्रेडिंग होती है, और MCX में क्या होता है कि नॉन एग्री कम्युनिटी की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। बाकी जो एग्री वाला होता है, जो हम इंसान खेत में पैदा करते हैं, जैसे कि कपास हो गया, कॉटन हो गया, रबड़ हो गया, वीट हो गया, ये सब इस एक्सचेंज के थ्रू हम बाई और सेल करते हैं, ठीक है। अब हम ट्रेड टाइमिंग की बात करते हैं। तो ट्रेड टाइमिंग हमारा जो इक्विटी मार्केट होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 बजे तक चलता है। सेम उसी तरह यहाँ पर जो नॉन एग्री कम्युनिटी मार्केट होता है वो 9 बजे ओपन होता है और रात के 11:30 बजे तक चलता है, और जो एग्री कम्युनिटी होता है और वो 9 बजे मतलब कि सुबह ओपन होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है, ठीक है। तो ये दो हमारे मार्केट हैं। तो चलिए हम टाइम की बात कर लिए, ठीक है, कि 9:15 सुबह 9 बजे और रात के 11:30 बजे तक चलता है नॉन एग्री कम्युनिटी। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो लोग 9 से 6 जॉब करते हैं तो इस मार्केट में वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग कम्युनिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रात के 11:30 बजे तक चलता है, ठीक है, उनके लिए अच्छा है ये। अब चलिए बात करते हैं लॉट साइज की, ठीक है। लॉट साइज क्या होता है, तो देखिए जिस प्रकार से हम इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी, या फिर किसी स्टॉक में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लॉट बाई करते हैं। जैसे कि निफ्टी में जो होता है, ठीक है, एक लॉट में क्या होता है, 50 क्वांटिटी होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक लॉट में कितना होता है, 25 क्वांटिटी होता है। ऐसे किसी स्टॉक की बात करें, जैसे टाटा मोटर हो गया, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, इसमें अपना जो लॉट साइज होगा अलग होगा। तो हर अलग अलग स्टॉक में अलग अलग लॉट साइज होता है, ठीक है, जैसे कि निफ्टी में अलग है, बैंक निफ्टी में अलग है, तो एक लॉट में कितना साइज है, ठीक है, हम उसको बाई करते हैं, लॉट में बाई करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लॉट में बाई करेंगे। जैसे कि जो क्रूड ऑयल होता है उसमें एक लॉट में 100 बैरल होता है, ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल हम समझा देते हैं यहाँ पे। और गोल्ड में, ठीक है, 1 kg होता है, ठीक है, एक लॉट में हमें मतलब कि 1 kg मिलता है। इसका मतलब कि अगर हम एक लॉट बाई करने जा रहे हैं तो मतलब कि 1 kg हम सोना बाई कर रहे हैं, समझ गए, 1 kg सोना बाई कर रहे हैं। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें 2500 टन या फिर 2500 kg में, टन या kg में लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा, हमें मिल जाएगा कॉपर में 2500। तो इस तरीके से हमारा लॉट साइज होता है। तो हमें एक ही लॉट मतलब कि बाई करना है, मतलब कि इसके मल्टीपल में ही हमें बाई करना है, इसके मल्टीपल में ही बाई करना है, इसके मल्टीपल में ही बाई करना है। आप 2 लॉट बाई कर रहे हैं, 3 लॉट बाई कर रहे हैं, 4 लॉट बाई कर रहे हैं, आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है लॉट साइज। अब आता है मार्जिन की, ठीक है। तो आपको ब्रोकर यहां पर आपको मार्जिन देता है, ठीक है। अगर आप 1 किलो सोना बाई करने जाएंगे तो कितना महंगा है, ठीक है, तो आप 1 किलो सोना इतना पैसा नहीं है बाई करने के लिए, तो आपको मार्जिन देगा, ठीक है, आपको मार्जिन देगा आपका ब्रोकर। लगभग ये 5 गुना तक आपको मार्जिन मिल सकता है, डिपेंड करता है आपका कौन सा ब्रोकर है, ठीक है। तो आपको यहां पर मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन के आधार पर आप वहां पर बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 लाख का माल उठाना है तो आपके पास अगर 1 लाख रुपये नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 20,000 में 1 लाख का माल उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब 5 गुना आपको मार्जिन मिल रहा है, इसमें मार्जिन मिलता है, ठीक है, कम्युनिटी मार्केट में आपको। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अभी आपको यहाँ पर हम समझा रहे थे, अब चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं, ठीक है, और तब आपको क्लियर वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको वहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। तो आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, मैं तो जीरोदा यूज़ करता हूँ, तो जीरोदा का एग्जांपल लेके आपको हम सिखाएंगे कि कैसे कम्युनिटी में ट्रेडिंग करते हैं, पूरा आपको लाइव वहाँ पर हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
अब हम जीरोधा पे आ चुके हैं, ठीक है, जीरोधा लॉग इन कर चुके हैं, जीरोधा पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे सारे वॉचलिस्ट हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे वॉचलिस्ट हैं हमने वॉचलिस्ट बना रखा है। ये ट्रेडिंग का हमने एक वॉचलिस्ट बना रखा है, ठीक है, इस वॉचलिस्ट में हमें, ठीक है, ऐड करना है जिसमें हमें ट्रेडिंग करना है। तो एक चीज़ याद करना कि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है, आपका जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो सेगमेंट कहाँ से चेक करेंगे आपका, ठीक है, जैसे कि आप आएंगे, आप प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है, प्रोफाइल पे आएंगे और यहाँ पर आना है आपको। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये सारे हमारे सेगमेंट हैं, ठीक है, ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सेगमेंट यहाँ पर सारे हमारे सेगमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो MCX वाला सेगमेंट है ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए, कमोडिटी वाला आपका सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेट नहीं है, अब इसको एक्टिवेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो आपको एक्टिवेट करने के लिए आपका, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, लगभग 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, PDF फाइल आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और जिस बैंक स्टेटमेंट का PDF फाइल दे रहे हैं, ठीक है, उसका उसमें कम से कम 10,000 का, ठीक है, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट मंथ में, मतलब कि 10,000 रुपये उसमें होना चाहिए आपका, तभी आपका ये अप्रूव होगा। 1 से 2 दिन में आपका ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फिर भी एक्टिवेट नहीं होता है तो आप अपने ब्रोकर के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और उनसे एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, उसको समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका एक्टिवेट हो गया, अब क्या करना है, अब आपको फंड एड करना है। तो आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो गया, आपको फंड एड करना है। तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट है, यहाँ पर कमोडिटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट में आपको फंड ऐड करना है तो इसका अलग यहाँ से फंड दिखेगा, अगर इसमें आपको फंड ऐड करना है तो इसका अलग से दिखेगा। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं कमोडिटी में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फंड ऐड करना है, यहाँ पर फंड नहीं है, तो ऐड फंड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। हमने ऐड फंड पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है और अपने UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग से वहाँ पर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। जैसे ही डालेंगे आपको यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा। अब चलिए सब कुछ हो गया, हमने सेगमेंट एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, और हमने फंड भी ऐड कर लिया। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो आप सेगमेंट जरूर चेक लेना, MCX अगर सेगमेंट एक्टिवेट होगा तभी आपका कम्युनिटी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर MCX लिखा होना चाहिए कहीं पर, जैसे कि MF लिखा है, NSE, BFO, CDS, NFO, BSE, तो यहाँ पर MCX साइड में लिखा भी रहेगा, इसका मतलब कि आपका एक्टिवेट है, नहीं लिखा है तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अब आपको हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना है हमें। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में होता है, क्रूड ऑयल में होता है, ठीक है, और गोल्ड में होता है, गोल्ड में होता है और किस में होता है, क्रूड ऑयल में होता है, क्रूड ऑयल में होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है तो हमें इसमें ही ट्रेडिंग करना है। तो चलिए अब हम क्रूड ऑयल पे करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्रूड ऑयल। जैसे आप लिखेंगे क्रूड ऑयल, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरीके का ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर या फिर ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हम कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ये सब दिख रहा है, या फिर यहाँ पे सितंबर का फ्यूचर दिख रहा है, अक्टूबर का फ्यूचर दिख रहा है। तो चलिए एक हम फ्यूचर का वॉचलिस्ट में ऐड कर लेते हैं और एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, कॉल ऑप्शन ऐड किया हमने यहाँ पर, कॉल ऑप्शन ऐड किया, पुट ऑप्शन ऐड किया और एक सितंबर का हमें यहाँ पर फ्यूचर हमने ऐड कर लिया। तो जिस जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका अपना वॉचलिस्ट में इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर बाई करना है, फ्यूचर पे ट्रेड करना है तो फ्यूचर कर सकते हैं, ऑप्शन पे करना है तो ऑप्शन कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बाई करते हैं। देखिए ये सब बाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में प्रीमियम कोर्स बना रखा है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और प्राइस एक्शन कैसे आपको सीखना है। उसको सीखने के बाद ही आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, तभी जाके आपको वहाँ पर बाई और सेल करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, टिप के चक्कर में नहीं रहना है कि आपको मार्केट में कहीं से टिप मिल रहा है, टिप के चक्कर में नहीं रहना है, न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपना प्रोसेस बनाना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर के पूरा कोर्स आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग पेड कोर्सेज में देते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर फ्री में मिल रहा है। तो लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको कोर्स को देख सकते हैं, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस। चलिए तो अब हम यहाँ पर फ्यूचर में बाई करते हैं या फिर ऑप्शन बाई करते हैं। अगर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। जो सी लिखा है और पी लिखा है ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो FUT लिखा रहेगा ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में कोर्स बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर सी अगर हम बाई कर रहे हैं इसका मतलब हम बुलिश हैं, ठीक है। अगर हम सी बाई कर रहे हैं इसका मतलब हम बुलिश हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा हमारे एनालिसिस के आधार पर। अगर हमने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट गिरेगा नीचे के साइड में, तो हम PE बाई करेंगे, मतलब कि पुट ऑप्शन बाई करेंगे। ये पी लिखा है
तो आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे, सी लिखा है तो कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा तो सितंबर का फ्यूचर बाई कर लीजिए, ठीक है, तो फ्यूचर बाई कर सकते हैं। चलिए फ्यूचर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाई लिखा है, ठीक है, बाई पे क्लिक करते हैं। अब आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको इसमें लॉट साइज में ही बाई करना है, जिसका जो लॉट साइज है एक का लॉट से, देखिए यहाँ पे एक लिखा है ना, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में लिखा रहता है 25, 50, ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक लिखा है। तो एक लॉट में लगभग 100 बैरल्स होते हैं, ठीक है, एक लॉट में क्या होता है लगभग 100 बैरल्स होते हैं, तो आपको एक लॉट ही बाई करना है। तो अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर देखिए इंट्राडे लिखा है, यहाँ पर लिखा है ओवरनाइट। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि एक ही दिन में आपको बेचना है और बाई करना है, ठीक है, आपको खरीदना बेचना एक ही दिन में है। अगर ओवरनाइट में करते हैं तो जो ये जो सितंबर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जब तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट आपका है, आपने फ्यूचर बाई किया है, तो अगर ओवरनाइट पे अगर क्लिक करेंगे तो ओवरनाइट पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए हमको होल्ड करना है तो हमने ओवरनाइट पे कर लिया। अब ये मार्केट प्राइस है, ये लिमिट प्राइस है, तो ये जो प्राइस चल रहा है ये मार्केट प्राइस है। अगर आपको लिमिट डालना है तो यहाँ पे कोई आप प्राइस डाल सकते हैं कि हम इस प्राइस में हमें बाई करना है। जैसे अभी चल रहा है 7415, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7400, ठीक है, 12 में हमें बाई करना है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका, ठीक है, ऑर्डर लग जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमको मार्केट पे प्राइस करना बाई करना है। अगर मार्केट पे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और स्वैप टू बाई करेंगे, आपका बाई हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए आपको मार्जिन कितना देना पड़ेगा एक लॉट बाई करने के लिए, तो आप देखिए 233,650। तो कमोडिटी मार्केट में आपको आपका पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हमें 233,000 रुपये चाहिए यहाँ पर इसका 100 बैरल बाई करने के लिए क्रूड ऑयल का, अगर हम फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कम्युनिटी मार्केट में ज़्यादा पैसा लगता है हमें बाई करने के लिए, बाई करेंगे आपका बाई हो जाएगा और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो शो हो रहा है यहाँ पर आपका दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगर ऑप्शन बाई करना है तो हम ऑप्शन बाई करते हैं। अगर हम बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन बाई करेंगे, अपने एनालिसिस के आधार पर सी ऑप्शन बाई करेंगे। तो अब चलिए सी बाई करके देखते हैं, बाई पे क्लिक करना है, बाई कर सकते हैं, आप इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्यूचर हो गया, पहले हमने यहाँ पे बाई पे किया था, आप इसको डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, तो सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वही देखिए 233,000 हमें चाहिए, वही चाहिए जो हम मतलब कि बाई कर रहे थे। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका आप स्वाइप टू सेल करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए आप आगे समझते हैं। अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तो आप यहाँ पे इसको बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये बाई पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम बुलिश हैं तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, अगर आप बेयरिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे, इसका मतलब आप मतलब कि बेयरिश हैं। अगर आप बुलिश हैं तो आप बाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम बुलिश हैं तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, बाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, वही हमें एक लॉट बाई करना है, 262,000 इसमें चाहिए हमें एक ऑप्शन बाई करने के लिए। ये मार्केट प्राइस है, ये लिमिट प्राइस है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओवरनाइट में कर सकते हैं, फिर इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको उसी दिन आपको निकलना पड़ेगा, ओवरनाइट में आप इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर सितंबर का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो सितंबर तक आप इसको ओवरनाइट तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्वैप टू बाई करेंगे, यहाँ पर स्वैप टू बाई करेंगे, आपका ये बाई हो जाएगा। तो अब अगर हमको गोल्ड में करना है तो आप यहाँ पे गोल्ड लिखेंगे, ठीक है, गोल्ड लिखेंगे। ये सब जो गोल्ड दिख रहा है ना, ठीक है, एनएससी वाला गोल्ड दिख रहा है, ये सब एनएससी वाला गोल्ड, बीएससी वाला गोल्ड, इस पर नहीं करना है हमें, जिसमें हमें एमसीएक्स लिखा रहे हैं उस पर हमें जाना है, ठीक है। तो नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, देखिए एमसीएक्स आ गया। तो ये देखिए एमसीएक्स लिखा है, इस पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो गोल्ड में भी कुछ तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि इसमें तीन वैरायटी होता है। पहला, चलिए मान लीजिए अगर हम गोल्ड का फ्यूचर बाई कर सकते हैं या फिर इसका हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं गोल्ड वाला। तो गोल्ड को हम ऐड कर लिए इसका फ्यूचर, ठीक है, हमने गोल्ड का फ्यूचर ऐड कर लिया। इसमें देखिए गोल्ड जिनेवा होता है, ठीक है, ये भी होता है गोल्ड जिनेवा। तो सबका लॉट साइज अलग अलग होता है, ठीक है, तो गोल्ड जिनेवा को भी आप यहाँ पर सेप्टेम्बर का फ्यूचर यहाँ पर डाल सकते हैं गोल्ड जिनेवा का, ठीक है। अब ये गोल्ड हो गया, अगर इसका आप ऑप्शन बाई करना चाहते हैं तो जैसे सी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए सितंबर का ऑप्शन हो गया कॉल ऑप्शन, सितंबर का देखिए यहाँ पर मतलब कि कॉल ऑप्शन हो गया, तो कॉल ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ठीक है, कॉल ऑप्शन हमने ऐड कर दिया। अगर हमको गोल्ड का पी बाई करना है, पी लिखा हमने, तो ये देखो सितंबर का हम यहाँ पे पी बाई कर सकते हैं, ठीक है, सितंबर का पी बाई कर सकते हैं, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। चलिए हमने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हमें काम करना है या फिर ऑप्शन में काम करना है, दो ही है बस, ठीक है। बस हमें लॉट साइज में हमें ध्यान देना है, कितना लॉट बाई करना है तो उसके ही मल्टीपल में करना है,
चलिए गोल्ड का फ्यूचर बाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, हमें बाई करना है। तो एक लॉट में कितना होता है, एक किलो सोना होता है, एक केजी सोना होता है। तो यहाँ पे देखिए लॉट साइज कितना, एक का दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक लिखना है, अब दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे। यहाँ पे आपको देखिए मार्जिन कितना चाहिए, ठीक है, 483,796 रुपये चाहिए। तो आप देखिए एक किलो सोना का भाव कितना चल रहा है, ठीक है, एक किलो सोना का भाव आप देखेंगे बहुत महंगा है, लेकिन उतना पैसा हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो हमें 4 लाख में मिल जा रहा है क्योंकि हमें मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मतलब कि मार्जिन मिल रहा है तो हमें सस्ते मिल जा रहा है यहाँ पर, तो इसका फ्यूचर हम बाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, स्वाइप टू बाई करेंगे, हमारा बाई हो जाएगा। तो आपको एक किलो सोना आपको इतने में मिल रहा है, इतने मार्जिन में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, वही ओवरनाइट रखना है यहाँ पर, मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, फिर लिमिट लगा सकते हैं, स्वाइप टू बाई करेंगे, आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बाई होगा आपका कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जीरोधा में, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर, ठीक है, जो करंट महीना चल रहा है, जैसे कि सेप्टेम्बर आने वाला है, सेप्टेम्बर का महीना चल रहा है, तो सेप्टेम्बर का आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं, या सेप्टेम्बर में, ठीक है, उसका कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें होता है या फिर फ्यूचर होता है। इसी तरह अगर आपको सिल्वर में करना है तो आपको सिल्वर यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, सिल्वर आपने लिख दिया, अपने नीचे जाएंगे देखिए आ गया सिल्वर का सितंबर का फ्यूचर, ठीक है। तो या फिर अगर सी ऑप्शन डालेंगे, पी ऑप्शन डालेंगे तो आ जाएगा, तो उसको वॉचलिस्ट में ऐड करना है यहाँ पर, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, वॉचलिस्ट में ऐड कर दिया। अगर इसको अगर सी वाई करना है तो देखिए यहाँ पर सी आ गया, तो उसको हमें ऐड करना है। अगर आपको पी वाई करना है तो ठीक है, हम ऐड कर दिए, पी ऐड हो गया। इस तरीके से, ठीक है, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। सिल्वर का अगर हमको बाई करना है फ्यूचर, ठीक है, सिल्वर का फ्यूचर बाई करना है, तो इसमें जो हमें कितना चाहिए, 22,000 10,000 190,000 चाहिए इसका एक लॉट बाई करने के लिए। एक लॉट बाई करने के लिए हमें कितना मार्जिन चाहिए, 190,000 रुपये चाहिए। तो कम्युनिटी ट्रेडिंग में क्या होता है कि पैसा मतलब कि ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, कम से कम 2,00,000 2.5 लाख तो रुपया आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें आप देखो कि अब 100 बैरल्स अगर हम क्रूड ऑयल बात करें, एक किलो सोना, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें मतलब कि इसमें करना रहता है, इसलिए महंगा मिलता है, ठीक है, तो मार्जिन मिलता है, इसलिए 2.5 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में अपना काम हो जाता है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर बाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन एग्री कम्युनिटी हो गया। अगर एग्री में हमें करना है, ठीक है, अगर हमको रबर में करना है, ठीक है, अगर हमको रबर में करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ जाएगा रबर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्री कम्युनिटी हो गया, ठीक है। इसका अगर हमको फ्यूचर बाई करना है हमको, तो इसको ऐड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, ऐड करेंगे वॉचलिस्ट में, और इस पर रबर का जो फ्यूचर बाई करेंगे, तो एक लॉट बाई करने के लिए हमें कितना चाहिए, 78,000 रुपये चाहिए इसका, एक लॉट हमें बाई हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कम्युनिटी मार्केट क्या होता है, ठीक है, इसमें जो मतलब कि किस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, ठीक है, एग्री कम्युनिटी, नॉन एग्री कम्युनिटी, ये सब हमने देखा। कैसे हम अपने ब्रोकर के थ्रू बाई कर सकते हैं इसको, जैसे हम जीरोधा का आपको एग्जांपल दिखाया हमने कि जीरोधा में किस तरीके से करते हैं। सिगमेंट आपका एक्टिवेट होना चाहिए एमसीएस का, ठीक है, कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे अपन लोग वहां पर फंड ऐड करते हैं कम्युनिटी मार्केट में। जैसे यहां पे इक्विटी मार्केट में फंड है, तो इसी तरह कम्युनिटी मार्केट में आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिगमेंट, आपको जो आपका सिगमेंट है वो आपका सिगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं एक्टिवेट है तो आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे कम्युनिटी में। तो एक्टिवेट करने के लिए 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसको अपलोड करना है, ठीक है, उसमें कम से कम 10,000 का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, 10,000 रुपये उसमें होना चाहिए, तभी आपका सेगमेंट एक्टिवेट होगा। 1 से 2 दिन में आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके अपना एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। आपको वॉचलिस्ट में किस तरीके से ऐड करना है, जैसे हमने आपको सिखा दिया, या अगर आपको क्रूड ऑयल में करना है तो क्रूड ऑयल डालना है, उसका फ्यूचर आपको लेना है, जो महीना चल रहा है उसका फ्यूचर लेना है, या फिर कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी है और पी है, ठीक है, सी और पी है या फिर फ्यूचर है, तो हम इन्हीं में ही ट्रेड करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्रूड ऑयल और गोल्ड में होता है, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्रूड ऑयल और गोल्ड में, ठीक है। और जो हमारा जो नॉन एग्री कम्युनिटी है, जो मेटल और एनर्जी है, इसमें 88% तक ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा होता है, और 12% ट्रेडिंग सिर्फ एग्री कम्युनिटी में होता है, ठीक है, उसमें कम ट्रेडिंग होता है, जैसे कि अपना कॉटन हो गया, रबर हो गया, कपास हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, वो सब एग्री कम्युनिटी में आते हैं। इतना हो गया, चलिए अब हम समझ गए सब कुछ, लेकिन हम इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, इसका जो है हम चार्ट कहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसका जो हम चार्ट कहाँ पे देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, इस कोर्स में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो चार्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tradingview.com पे जाना है, ठीक है, tradingview.com पे जाना है, ठीक है, tradingview.com पे जाना है आपको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे tradingview.com पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं tradingview.com पे, चलिए इसको हमें चार्ट लगाना है,
ये जो चार्ट लगा हुआ है ये क्रूड ऑयल का लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूचर का चार्ट है। तो देखो कोई भी स्टॉक हो गया, इक्विटी मार्केट का हो गया या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया या फिर फॉरेक्स मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया, तो जो हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, वो चार्ट कहाँ पे देखते हैं, tradingview.com पे देखते हैं, उस पर हमें चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम वॉचलिस्ट बनाते हैं अपना, ठीक है, ये जो प्लस का निशान है अपना वॉचलिस्ट बनाते हैं और वॉचलिस्ट में अपना ऐड करते हैं कि हमें इसका चार्ट देखना है, ठीक है, क्रूड ऑयल का देखना है, गोल्ड का देखना है या फिर सिल्वर का देखना है, ठीक है, या फिर अपना जो सोयाबीन है उसका देखना है, रबर का देखना है, सिल्वर का देखना है, कॉपर का देखना है, ठीक है, या फिर टाटा मोटर, रिलायंस, किसी भी शेयर का देखना है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का देखना है, क्रिप्टो करेंसी का देखना है या फिर फॉरेक्स करेंसी का देखना है, सारे चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब सारे टूल्स हैं जिसमें हम अपना उसके मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम समझ गए कि कमोडिटी मार्केट क्या है, इसको कैसे वॉचलिस्ट में ऐड करते हैं, कैसे बाई करते हैं और किनको हमें ट्रेड करना है। लेकिन आपको चार्ट कहाँ मिलेगा इसको रीड करने के लिए, ठीक है, इसको रीड करने के लिए चार्ट कहाँ मिलेगा और चार्ट को रीड कैसे करते हैं और कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे हमें बाई करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है, ठीक है, मार्केट गिरा हुआ है तो हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पर बाई करना है, ये हम कैसे समझेंगे, तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से आएगा, प्राइजेक्शन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम इस कोर्स में बेसिक आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर लिए हैं और इसको समझते हैं। जैसे आप किसी भी, ठीक है, आप चार्ट ओपन करेंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन कर रहे हैं, चाहे आप इंडेक्स का ओपन कर रहे हैं, चाहे कमोडिटी में आप क्रूड ऑयल का ओपन कर रहे हैं या फिर गोल्ड का ओपन कर रहे हैं, तो जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल और हरी कैंडलें नजर आती हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हो गया ये, ठीक है, ये हरा कैंडल हो गया, ये रेड कैंडल हो गया, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इस तरीके से नजर आता है हमें चार्ट। इनको ही हमें रीड करना है और इनको ही रीड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए प्राइस इस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। अगर ट्रेडर की साइकोलॉजी मार्केट में ना हो तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको आप नजर बना के रखना, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं है तो मार्केट, ठीक है, प्राइस जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से प्राइस इस तरह के ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ये सब साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना है, तो हमने जो प्रीमियम कोर्स है उसमें समझा रखा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो रेड कैंडल, इसका मतलब कि यहाँ पर सेल हो रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल बना इसका मतलब कि बाई हो रहा था, ठीक है। तो हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये हम टेक्निकल एनालिसिस से पता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पे आते हैं तो पहले हमारी पहचान इन कैंडलों से होती है, तो हमें इन कैंडलों को ही पढ़ना है। तो देखिए एक कैंडल होता है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल होता है, ये कैंडल का बॉडी होती है, ठीक है, और ये कैंडल का क्या होता है, वीक होता है, जो ये डंडी जैसा बना है ये वीक होता है, और कैंडल का जो ये सबसे हाई होता है, ठीक है, जो हाई पॉइंट होता है वीक का, इसको बोलते हैं कैंडल ने हाई लगाया यहाँ पर, ये जो सबसे लो वाला पॉइंट लगा था इसको बोलते हैं कैंडल ने यहाँ पर लो लगाया हुआ है, समझ गए। तो हमें हमेशा कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, हमें बस यही सीखना है कि कैंडल ने कहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर हाई लगाया लाइन खींच देंगे, यहाँ पर इसने लो लगाया लाइन खींच देंगे, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल है इसका मतलब कि यहाँ पर सेलिंग हो रही थी, अगर ये ग्रीन कैंडल है इसका मतलब कि यहाँ पर, अगर ये ग्रीन कैंडल इसका मतलब कि बाइंग हो रही थी, ठीक है, बाइंग हुई तभी ऊपर गया। तो ये पूरा हमारा कैंडल स्टिक्स हो गया। अब कैंडल स्टिक्स में दो तरह के कैंडल होते हैं, पहला होता है बुलिश कैंडल, ठीक है, पहला होता है बुलिश कैंडल, और जो दूसरा होता है वो होता है बियरिश कैंडल, ठीक है, बियरिश कैंडल। अगर बुलिश कैंडल जहां पे बन रहा है, ठीक है, वहां पर मतलब कि मार्केट में एक बुलिश प्रेशर आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर जो बियरिश कैंडल जहां पे बन रहा है इसका मतलब कि मार्केट में बियरिश प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो दो तरह के कैंडल होते हैं, इनका मैं PDF, ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है हमारे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, boomtrade@boomtrade666, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @boomtrade666, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जाना है फाइल सेक्शन में, ठीक है, फाइल सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, मीडिया में जाना है वहाँ पर आपको सारे फोटो मिल जाएंगे बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल के, उनको आपको प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फॉर एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक होता है बुलिश कैंडल, कौन सा होता है, बुलिश इंगल्फिंग, मतलब कि रेड कैंडल को एक बगल में ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गया है, इंगल्फ कर गया, इसका मतलब कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल बना हुआ है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल हो गया। इससे इसका उल्टा होता है बियरिश कैंडल, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बगल में एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बन जाए ग्रीन कैंडल के बगल में, इसका मतलब रेड वाला इसको खा गया है, इंगल्फ कर गया है, मार्केट में प्रेशर क्या है,
20 प्रेशर है मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन जो रेड कैंडल है सबको खा गया है, इसका मतलब मार्केट में एक 20 प्रेशर आने वाला है नीचे की साइड में, ठीक है। सब इस तरह एक बुलिश कैंडल होता है जिसको बोलते हैं डोजी, ठीक है, हैमर, ठीक है। और इसके बाद फिर उल्टा जो होता है ये हमारे सब बुलिश कैंडल हैं, और इसके बाद इसका जो बिरिस होगा उल्टा होगा, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी डोजी बन जाएगा ऊपर के साइड में, तो ये हमारे बिरिस कैंडल है। तो कुल मिला के हमें बिरिस कैंडल और बुलिश कैंडल को देखना है और समझना है, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं कैंडल स्टिक्स के बाद हम सीखते हैं कैंडल के बाद हम क्या सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हैं। फिर इसके बाद हम सीखते हैं ट्रेंड, ठीक है, इसके बाद सीखते हैं ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, इसके बाद हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम कोई इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। इतना आप सब कुछ आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप, ठीक है, रेडी हो जाएंगे बाई और सेल करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। अगर एडवांस लेवल पर आपको प्राइजेक्शन सीखना है तो हमारा कोर्स जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स हमने देख लिया, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो देखिए सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है पहले वो देखते हैं, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पहले सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर चला गया है हमारे लिए सपोर्ट हो गया, जहां से प्राइस नीचे गिर गया हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि यहां से प्राइस गिरा हुआ है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा लेवल जो रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस जब भी यहां पर आएगा एक बार जरूर रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अगर प्राइस यहां से ऊपर गया तो हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, तो यहां पर सपोर्ट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जब भी रेजिस्टेंस के पास अगर कोई बेरिश कैंडल दिखे तो हमें सेल करना है, और सपोर्ट के पास अगर कोई बुलिश कैंडल दिखे तो हमें क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। दो ही कंडीशन होगा, या तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, या फिर मार्केट सपोर्ट से नीचे आ जाए, सपोर्ट से ऊपर जाएगा फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा। जब मार्केट सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बनाएगा तो इसका मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। जब मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर बुलिश कैंडल वाला हमने सेल कर दिया, नीचे आ गया, ये सपोर्ट पे बना बुलिश कैंडल, तो यहाँ देखिए बुलिश कैंडल बना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बाय कर लिया। तो अब देखिए या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर ऊपर जाएगा, तो जब ब्रेक कर देगा तो एक नया हमारा ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो अभी तक ये सपोर्ट था, अब ये चेंज होकर हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस था, अब ये चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो या तो हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं या फिर हम वहाँ पे रिवर्स होता है तब एंट्री लेते हैं, दो ही कंडीशन है। तो पहले आप देखिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। इंट्राडे में आपको जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी लेते हैं हम, हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। प्राइस यहाँ से देखिए रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो प्राइजेक्शन क्या बोलता है कि जो चीज़ पहले हुआ है अगर वो हो रहा है तो मतलब प्राइस एक्ट कर रहा है जैसे पहले एक्ट किया था। देखिए यहाँ से प्राइस गिरा था, इसके आसपास से गिरा था, यहाँ से आसपास से गिरा था, तो हमने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। यहीं से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा था, सपोर्ट ले रहा था, तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा हमें बाई करना है, ठीक है। कैसे बाई करना है, कोई बुलिश कैंडल पर, कोई बुलिश कैंडल बने हमें बाई कर लेना है। जब भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस पर आया तो हमें सेल करना है, ठीक है। कोई भी बुलिश कैंडल बने, कोई भी बिरिस कैंडल बने हमें सेल करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बिरिस कैंडल बनेगा इसका मतलब प्राइस फिर से नीचे आएगा। अगर यहाँ पे बिरिस कैंडल नहीं बनेगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो हम क्या करेंगे, अब बाई करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो या तो मार्केट ब्रेकआउट करेगा या फिर यहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, इस सपोर्ट से या फिर ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक कर देगा। तो जब यहाँ पर देखिए इसने ब्रेक कर दिया इस जो हमारा सपोर्ट था, तो एक नया हमारा ट्रेंड हो गया, अब हम सेल कर देंगे इसको। तो देखिए फिर से प्राइस गिरना चालू हो गया, नीचे की साइड में गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करेंगे। जहां से प्राइस गिरा हुआ है आप वहां पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जहां से ऊपर गया हुआ है वहां पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस, यहां से गिरा हुआ है रेजिस्टेंस, यहां से ऊपर गया हुआ है सपोर्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अब चलिए कुछ कोई इंडिकेटर के बारे में पता कर लेते हैं, जैसे कि हम मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है, एकदम बेसिक आपको समझा रहे हैं। चलिए मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। ये मूविंग एवरेज आपको इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जाना है इंडिकेटर पे, यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज, तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा है मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हैं, इससे भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना है, कौन सा लगाना है, यहाँ पर आना है इनपुट में, आना है सेटिंग पे, इनपुट में आना है, यहाँ पर लगाना है इंट्राडे के लिए 44 या ईएमए लगाना है, ठीक है।
44 EMA लगाना है आपको इंट्राडे के लिए, सिंपल है। अब मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये जो लाइन खींचा हुआ ये एक लाइन है, ये लाइन हमारे लिए क्या काम करता है, पहला डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि हमेशा चेंज होता रहेगा, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम मिलेंगे। दूसरा हम लेंगे इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, मतलब कि या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, तो दो दो काम में लगेंगे। अगर मान लीजिए अगर ब्रेक नीचे करेगा तो हम नीचे की साइड में जाएंगे, अगर ब्रेक ऊपर करेगा तो हम ऊपर की साइड में जाएंगे, ठीक है, तो ये डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेगा तो एक हम सेल करना है, फिर इसका देखिए यहाँ पर ये हमें अभी तक ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जब प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, जब प्राइस इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम किया, अब ब्रेक करके नीचे चला आया तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये हमारा जो मूविंग एवरेज है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तुम्हारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर प्राइस इसके नीचे है तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सिंपल है, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अगर कोई भी बुलिश कैंडल बने तो हमें बाई कर लेना है, ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल बने हमें बाई कर लेना है। जब इसका अगर ब्रेक कर देगा तो एक नया ट्रेंड चालू हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, ठीक है, जैसे ब्रेक करेगा हमें सेल करना है। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जब तक हम मार्केट इसको फिर ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें बना रहना है, यहाँ पर ब्रेक किया तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बेसिक है एकदम। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप हमारा जो कोर्स है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम चार्ट को एनालिसिस करके, जैसे कि कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर कोई इंडिकेटर यूज़ करके, तो ये मूविंग एवरेज आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और इसके आधार पर आप बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कहना है कि आप पूरा प्राइजेक्शन सीख लीजिए, प्राइजेक्शन के आधार पर आप बाई और सेल करिए। तो आई होप जो आपका कम्युनिटी मार्केट है, कैसे आप मतलब कि क्रूड में ट्रेडिंग करते हैं, लॉट साइज क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कॉल ऑप्शन कब बाई करना है, किसका बाई करना है, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं, हमें कॉल ऑप्शन किसका बाई करना है और कब करना है। तो इसको इधर लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर चलते हैं, तो लास्ट में चलिए अभी का जो प्राइस है कहाँ पर है, ये 7415 पे है, ठीक है, यहाँ पर रुका हुआ है। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट, मतलब लाइन को भी ब्रेक कर दिया, अभी लाइन हमारे लिए क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, मतलब हम क्या है, बुलिश है, हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे, सी ऑप्शन बाई करेंगे, हम बुलिश हैं, या फिर हम फ्यूचर बाई कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए हम मान लीजिए सी ऑप्शन बाई करेंगे, जब ये ब्रेक करेगा तो अगर प्राइस 7415 के आसपास है, तो अगर आप बुलिश हैं तो आपको लगता है कि 7500, 7550, ठीक है, 7600, 7700 वहाँ तक प्राइस जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस, जिनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, तो ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे उनको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, और जो तत्काल में जिस प्राइस पे चल रहा है उसको बोलते हैं ATM, एट द मनी, ठीक है, उसको बोलते हैं ATM, एट द मनी, ठीक है। मान लीजिए तत्काल जो प्राइस चल रहा है वो ATM हो गया, एट द मनी हो गया, और अगर हम बुलिश हैं सी ऑप्शन बाई करेंगे तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए OTM हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी, और नीचे के स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए ITM हो जाएंगे, इन द मनी। अब हम किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, तो देखिए ऑप्शन बायर के लिए हमेशा एट द मनी, ठीक है, एट द मनी पर काम करना चाहिए या फिर इन द मनी पर काम करना चाहिए, ठीक है, एट द मनी या फिर इन द मनी पर काम करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट करता है, हम बुलिश हैं, तो हम क्या करेंगे, 7400 का यहाँ पर क्या करेंगे, सीई ऑप्शन बाई कर लेंगे, या फिर आप 7500 का भी बाई कर सकते हैं, 7500 का आप क्या करेंगे, सीई ऑप्शन बाई कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको चलिए जीरोधा पे दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, क्रूड ऑयल का, देखिए ये जो हमारा चार्ट लगा था ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल का हमें क्या करना है, कॉल बाई करना है, बुलिश है, तो 7400 या फिर 7500 का हमें कॉल बाई करना है, तो आप लिखना है, ठीक है, क्रूड ऑयल लिखना है, क्रूड ऑयल लिखना है और 7500 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको सी बाई करना है सी लिखिए, सी लिख देते हैं, आपको यहाँ पर आ जाएगा कि 7500 क्रूड ऑयल सितंबर सी, आप इसको ऐड कर लें वॉचलिस्ट में, फिर इसको आप आराम से बाई और सेल कर सकते हैं। चलिए हम बाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पाते हैं, चलिए हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करते ही देखिए यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, क्रूड ऑयल 7500 सी एकदम आ गया हमारा।
हम बुलिश हैं तो सी बाई करेंगे, आप आराम से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और देखिए हमें 30,500 देना पड़ेगा एक लॉट का, अगर हम इसका कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो हमें 30,500 देना पड़ेगा। स्वैप टू बाई करेंगे, आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर बाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप इसका फ्यूचर बाई कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से गोल्ड सिल्वर कॉपर सब में हम इसी तरीके से वहाँ पे करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा बेसिक जो इसका है। ठीक है, अगर आपको एडवांस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन सीखना है आपको, ठीक है, तो आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, हमने दो पार्ट में कोर्स बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, तो जाकर के आप उसको देखिए, समझिए और प्राइस एक्शन के बेस पर ही आप अपना एंट्री बनाइए। ठीक है, तो जब आप एंट्री अगर सोचेंगे तो प्राइस एक्शन के बेस पर सोचेंगे, और कैसे बाई और सेल करना है जीरोधा में, आप स्टॉक में, एंजल वन में, आप वही तरीका है। आपको सेगमेंट एक्टिवेट कराना पड़ेगा, फंड ऐड करना पड़ेगा, फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर बाई और सेल करना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।